तो मेरे बायोलॉजी में 360 स्कोर में मेरा मोर देन 4 अटेम्प्ट हो चुका था और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे कि आगे ड्रॉप और लेना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम कुणाल है और मैं एम्स कल्याणी का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज का वीडियो में मेरा थोड़ा अलग टॉपिक पे है। मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नीट में हर साल लगभग 20,000 से 25,000 लोगों का सिलेक्शन होता है एमबीबीएस सीट्स पे गवर्नमेंट की, और उसके अलावा लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स उनको सीट नहीं मिल पाती एमबीबीएस की। तो क्या आपको लगता है कि वो बाकी के 15 लाख वो बेकार हैं और ये जो हैं वही बस अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वही बस पढ़ने वाले हैं? तो आपका आंसर नो है, और ऑब्वियसली नो ही है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 15 लाख में हो सकता है 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हों जो कि बिल्कुल बेकार, 1 या 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हों जो कि बिल्कुल मतलब से नहीं जानते, मेहनत नहीं किया, ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, वो लोग भी अच्छे हैं। हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छे हों, हो सकता है वो कि वो साइंस में भी अच्छे हो, नीट में भी अच्छा कर सकते हो, पर नीट के पैटर्न जैसा है, जिस तरह का है, उसमें उनको सूटेबल नहीं लग रहा हो। हो सकता है उनका नीट में इंटरेस्ट ना हो, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट ना हो, फिर भी वो पेरेंट्स के प्रेशर या पीयर प्रेशर की वजह से बार बार नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके रीजंस अगर कुछ अलग हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट काफ़ी मेरिटोरियस हो, बहुत ही इंटेलिजेंस हो, सब कुछ उसमें हो, लेकिन फिर भी वो थोड़े मार्क्स से या थोड़े रैंक से वो थोड़े छूट जा रहा हो, उसका नीट में नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि आप जानती हो कि नीट का कोर्स हो सकता है उसके लिए सूटेबल ना लगे, हो सकता है जिस तरह का, जिस पैटर्न का एग्ज़ाम उसके लिए होता है वो उसके लिए ठीक ना हो, हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो रहे हो, आसान क्वेश्चन छूट जा रहे हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यही है। ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बेकार मेहनत कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, और रिलेटिव्स का भी बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो उन सब वजह से वो सोच लेते हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और वो चाहते हैं कि बच्चा कोई और कोर्स में एडमिशन ले ले और वहीं से पढ़ाई करे। इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि बच्चे को भी लगता है कि ये मेरा इतना अटेम्प्ट हो चुका है, अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है, मैं अभी बेकार हूँ, अभी तक मेरा बस 12th पास हूँ, बाकी मेरे दोस्त इंजीनियरिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं अभी तक बस 12th पास हूँ, इस बात का टेंशन उनको रहता है, इसकी वजह से भी उनके प्रिपरेशन में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ये आज वालिदा तबस्सुम बताएगी। और साथ ही मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स को या तो पेरेंट्स की तसल्ली के लिए या फिर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एडमिशन लेना चाहिए किसी जगह पे, ताकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया फिर भी आपका ईयर बर्बाद नहीं हो रहा, आप कोई ना कोई कोर्स में आप। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी हमारे पास है, आप सुनिए। हाय, मैं वाजदा तबस्सुम, AIR 7408 INNIT 2021। मैं बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज की वीडियो में मैं अपनी BNS टू MBBS जर्नी बताऊंगी। जब मेरा मोर देन 4 अटेम्प्ट हो चुका था और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे कि आगे ड्रॉप और लेना है, वो बोल रहे थे कि नहीं, मतलब तुम्हें और जो मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लो अब, और आगे ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन मेरा गोल हमेशा से MBBS ही करना था कि MBBS ही करना है, और बॉर्डर पे थी तो मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं थे, तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। फिर मैंने सोचा कि एडमिशन ले लेती हूँ BMS में, और BMS के साथ ही अपने नीट की प्रिपरेशन। चैलेंजिंग तो था थोड़ा कि कैसे होगा मैनेज क्लास के साथ ये नीट का प्रिपरेशन। शुरू में थोड़ा डर भी लगता था कि 1-2 घंटे पढ़ के कैसे सिलेक्शन होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले शुरू तो करते हैं, अगर नहीं होगा तो एक ट्राई तो मैंने कर लिया ना, अपनी कसर तो रह जाएगी, और कुछ ना होगा तो BMS तो है ना। फिर मैंने शुरू किया JBRO आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, एडमिशन ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। मेरा कॉलेज टाइमिंग 8 से 4 था, तो टाइम थोड़ा कम ही मिलता था पढ़ने के लिए, और क्लास भी बंक नहीं कर सकते थे क्योंकि अटेंडेंस इशू था। 4 से 5 घंटे ही मिलता था पढ़ने के लिए, उसमें 2 से 3 घंटे नीट की और 1 से 2 घंटे कॉलेज की पढ़ाई करती थी। फिर वहाँ मई से लॉकडाउन लग गया और तब काफ़ी टाइम मिलने लगा पढ़ाई करने के लिए। टेस्ट ज्वाइन कर ली थी, 1-2 टेस्ट में तो ख़राब स्कोर रहा, लेकिन धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगा तो उससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस आने लगा। लॉकडाउन के टाइम में मैं मतलब ज़्यादा टाइम नीट पे फोकस करती थी, क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मुझे सिर्फ पास होना था, और उसके लिए मैं प्रीवियस जो 5 ईयर के क्वेश्चंस थे उसको करती थी, बाकी सारा टाइम मैं नीट के लिए पढ़ाई करती थी। और फिर मेरा ये टारगेट होता था कि मेरा बायो और केमिस्ट्री जो था वो अच्छा था, स्ट्रांग था मेरा, तो उसको और स्ट्रांग करना था जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है। और फिजिक्स में ये टारगेट होता था कि मतलब 130 से 140 के बीच में मेरा मार्क्स आ जाए, बाकी मैं इधर ज़्यादा स्कोर कर लूँगी। और फिर जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे बायोलॉजी में 360 स्कोर हुए,
केमिस्ट्री में 148 आउट ऑफ 180 स्कोर रहा और फिजिक्स में 125 आउट ऑफ 180 स्कोर रहा। और मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं जो बायोलॉजी के लिए देखें तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ती थी, एक एक चीज़ को एक एक लाइन को मतलब अच्छे से समझ कर पढ़ती थी। और अगर एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ लें तो हम फुल स्कोर ला सकते हैं उसमें, अच्छा कर सकते हैं उसमें। केमिस्ट्री में है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत याद करने की चीज़ होती है, तो मेरा ये रहता था कि हमेशा 15 दिन पे या मतलब 15 दिन पे शुरू हो जाए या महीने दिन के अंदर तो हम एक बार रिवाइज कर लें, जैसे पी ब्लॉक हुआ, डी एफ ब्लॉक हुआ। अब एक एक उसमें लाइन तो रिवाइज नहीं कर सकते, जो भी अंडरलाइन है, जो हाईलाइट चीज़ें हैं, जो एक्सेप्शन है याद करने की चीज़ें हैं, तो उसको मैं एक बार दिख लेती थी। और ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी काफ़ी, और हमारा जो नोट्स होता था, मैंने पहले कोचिंग जो हाँ ले रखा था उसके नोट्स थे मेरे पास, तो उससे मैं करती थी। फिजिकल केमिस्ट्री की ये था कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था मुझे कि नहीं, मैं शुरू में पढ़ती थी, शुरू में एक बार अगर अच्छे से नोट्स कर लेती थी, उसके बाद बस फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से फिर मैं लास्ट में जब एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एक बार पूरा कर लेती थी कि हाँ एक बार थोड़ा नोट्स पढ़ लिए कि कहीं कुछ चीज़ें भूल तो नहीं रहे हैं। और जो ये फिजिक्स था तो फिजिक्स के लिए कुछ था टॉपिक जो मेरे लिए बहुत वीक था, तो मैं उसको ये हटा दी थी कि नहीं मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, लेकिन फॉर्मूले मैं याद रख ली थी कि नहीं फॉर्मूले बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो मैं कर सकूं। और उसके लिए सबसे ये होता है फिजिक्स के लिए देखें तो कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद रहेगा ना तो क्या पता मतलब फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाए तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको भी कर ले। तो मैं ऐसा रखती थी कि फिजिक्स के फॉर्मूले डेली सुबह उठ करके एक बार रिवाइज कर लिया, चलते चलते एक दो चैप्टर का या कभी किसी चैप्टर का, ऐसे तो मेरा ये रहता था। और फिर जब मेरा एग्ज़ाम से 1 महीना जो पहले होता था तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस, जो अपने टेस्ट हुए हैं, जो किसी दोस्त के टेस्ट हुए हैं उनसे पेपर लेकर, या जो पुराने पेपर्स पड़े हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और वो एकदम जो नीट के टाइमिंग होता था जो 2 से 5, उसमें मैं प्रैक्टिस करती थी 2 से 5 ही अपने रूम पे बैठकर टेबल पे, और पूरा एक पेपर लिया पूरा 3 घंटा आराम से, जैसे नीट के एग्ज़ाम दे रहा हूँ उस तरीके से पेपर प्रैक्टिस करती थी मैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत फ़ायदेमंद रहा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आपके पेरेंट्स यहाँ चाह रहे हैं आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए, चाहे वो BMS हो, BDS हो, BHMS हो, आप उसके साथ भी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को वही अच्छा लग रहा है BMS और BDS BHMS ही करना, तो फिर नीट की प्रिपरेशन करके टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन कोर्सेज को करके भी बहुत अच्छा किया जा सकता है फ्यूचर में, और सोसाइटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है उनकी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी, एंड थैंक यू कुणाल फॉर कंसिडरिंग माई स्टोरी। जैसा कि वाजिदा ने बताया कि सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, सबका सोसाइटी में एक अलग रोल है, सारे के सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं इसलिए वो उनको बनाए गए हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि ये नीट ही करना है, ये मतलब सारे कोर्सेज बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे थोड़ा भी रिलेटेड है, आपको पसंद आया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर कोई सजेशन या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपको देखना अच्छा लग सकता है, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।